सबके बीच में जम्मू कश्मीर से ही बड़ी खबर हम आपको लगातार बता रहे, तस्वीरें भी आपने देखी। अब एक और बड़ी खबर है इसी से जुड़ी हुई, बारामूला के उरी से खबर है जहां पर एक आतंकी ढेर हो चुका है। उरी में चल रही ये मुठभेड़ से इस वक्त की बहुत बड़ी कामयाबी निकलकर सामने आई है। बारामूला के उरी में एक आतंकी को ढेर कर दिया गया है। ये वही इलाका है जिसको चारों तरफ से सुरक्षा बलों की तरफ से घेर लिया गया था। दोनों तरफ से जो गोलीबारी है वो यहाँ पर हो रही थी, लेकिन कोशिश ये थी सुरक्षा बलों की कि आतंकियों को यहाँ पर छोड़ा ना जाए। और एक और ये बहुत बड़ी कामयाबी यहाँ पर मिली है जम्मू कश्मीर में। एक तरफ आप देखिए अनंतनाग में जहाँ पर मोर्चा संभाला हुआ है, जवानों ने ये तय कर लिया है, ठान लिया है कि इस जगह को तब तक नहीं छोड़ना जब तक कि उन आतंकियों का खात्मा ना हो जाए। और दूसरी तरफ उरी में ये बहुत बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों के हाथ लग गई है। जो मुठभेड़ लगातार चल रही थी उसमें एक आतंकी को ढेर कर दिया गया है, लेकिन अगर और आतंकी यहां पर छिपे हुए हैं इसी को देखते हुए अभी भी पूरे इलाके को घेरा हुआ है। रिफत ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रिफत, ये बहुत बड़ी कामयाबी है, एक तरफ आप देखिए अभी भी अनंतनाग में चारों तरफ से इस जगह को घेरा हुआ है, लेकिन उरी में एक आतंकी ढेर, क्या और आतंकी वहां पर छिपे हुए हैं, ऐसी कोई खबर रिफत? देखिए बिल्कुल, यहाँ पे ऑपरेशन जो है एलओसी के करीब हथलंगा एक गांव है वहाँ पे ही चल रहा था। आर्मी को वहाँ पे सस्पिशियस मूवमेंट लगी और ऑपरेशन शुरू किया गया। अभी पुलिस ने इन्फॉर्मेशन दी कि एक मिलिटेंट उस ऑपरेशन में मारा गया है। ये ऑपरेशन नॉर्थ कश्मीर में चल रहा है लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब। आपको मालूम है कि दूसरा ऑपरेशन जो अनंतनाग में चल रहा है वो लगातार आज चौथे रोज भी जारी है, लेकिन इसी बीच खबर ये आई कि आर्मी ने घेरेबंदी की है खासतौर से इस लाइन ऑफ कंट्रोल के इर्द गिर्द हथलंगा एरिया में, और अब एक मिलिटेंट के मारे जाने की पुष्टि पुलिस ने की है। लेकिन ये ऑपरेशन चल रहा है, समझा जा रहा है शायद कुछ और मिलिटेंट भी वहां पे हो सकते हैं। ऐसा लगता है कि शायद इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश की गई थी और लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब ही एक मिलिटेंट को मार गिराया गया। बिल्कुल रिफत, आप नजर बना के रखिए क्योंकि और भी अगर आतंकी यहाँ पर है तो ये सोचते हुए, इसे ध्यान में रखते हुए पूरे इलाके को अभी भी घेरा हुआ है। बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़े, जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों के खिलाफ सेना का ऑपरेशन लगातार चल रहा है। ये पूरा इलाका चारों तरफ से सुरक्षा बलों की तरफ से घेर लिया गया है। सेना के ऑपरेशन का ये आज चौथा दिन है। अब ऐसे में आज का दिन इस ऑपरेशन के लिए बहुत खास माना जा रहा है क्योंकि सेना भी कह चुकी है कि जब छिपे हुए आतंकियों का खात्मा नहीं हो जाता तब तक ये ऑपरेशन जारी रहेगा। इस इलाके में 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की आशंका है। आतंकियों की तलाश के लिए जवान सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं तो दोनों तरफ से फायरिंग भी हो रही है। इस इलाके में 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की आशंका है। शुक्रवार को सेना ने यहाँ बने आतंकियों के ठिकाने को नष्ट कर दिया था। सेना ने इस इलाके को चारों तरफ से घेर लिया है। इस ऑपरेशन में ड्रोन की भी मदद ली जा रही है और दूसरे आधुनिक उपकरणों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में दुर्गम पहाड़ियों में छिपे आतंकियों के ठिकाने पर सेना के जवानों ने ताबड़तोड़ बमबारी की। आज ड्रोन की मदद से भी आतंकियों पर फायरिंग की गई। पिछले 3 दिन से वहां सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच मुठभेड़ चल रही है।